हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रीडम फ्रॉम हॉस्पिटल डॉक्टर दरबेश की एक नायाब देन है, जिसके माध्यम से वो चाहते हैं कि लोगों को हॉस्पिटल जाने की जरूरत ना ही पड़े और वो घर पर ही उस बीमारी से निजात पा लें। अगर आप भी घर बैठे डॉक्टर दरबेश के बताए नुस्खों से लाभ उठाना चाहते हैं, स्वस्थ और सेहतमंद रहना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, हमारे वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, मैं डॉक्टर दरबेश आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल फ्रीडम फ्रॉम हॉस्पिटल। दोस्तों, आज हम कुछ खास बातें जानेंगे। पहला कि जिनका हमेशा नाक ब्लॉक रहता है, यानी साइनसाइटिस है या नहीं है, मगर नोज उनका हमेशा कंजक्शन होती है, तो जो नोज पैसेज है वो दो कारण से हो सकता है। एक, या तो वहाँ पे बोनी जो स्ट्रक्चर है वहाँ पे ब्लॉक कर रहा है, कभी कभी थोड़ा टेढ़ा हो जाता है। ENT वगैरह के पास जाने से वो लोग बताते हैं कि आपका ये हड्डी को यहाँ पे सर्जरी करना पड़ेगा, मगर मैंने कई बार देखा हूँ इसकी सर्जरी के बाद भी दोस्तों वो इंसान परेशान रहता है पूरी जीवन भर। नंबर दो है, हमेशा सर्दी जुकाम लगा रहता है और नाक चोक होता है, उसके साथ साथ आँख में पानी आना, गला खराब होना और थोड़े में सर दर्द होना, इस तरीके का समस्या भी झेलना पड़ता है। और उसके साथ साथ चेहरा सूजन रहना, आँखों में सूजन रहना, कान वगैरह में दर्द रहना, यहाँ नीचे दर्द रहना, टन्सलाइटिस होना, ये सारी समस्या लगातार साल का 12 महीना कई बार लग के रहता है या फिर सीजनली होता है। दोस्तों, इसमें मैं आपको दो तीन चीज़ें बताता हूँ। एक, एक्यूप्रेशर से इसका इलाज कैसे करोगे। दूसरा, कुछ घरोई उपचार जो आयुर्वेद या नेचुरोपैथी से कैसे करोगे वो बताऊँगा। पहला लेते हैं कि आप एक्यूप्रेशर से इसकी इलाज दोस्तों कैसे करोगे। हजारों टिप्स मैं इकट्ठा किया हूँ 10 साल में, जो किताब का शक्ल दिया हूँ, ये हमेशा मैं पहले से ही बता देता हूँ कि किताब इंग्लिश हिंदी दो लैंग्वेज में है, 600 पेज की। हिंदी माई हेल्थ इन माई हैंड घर में जरूर रखो, इसमें एक्यूप्रेशर 250 पेज और 350 पेज के आसपास आयुर्वेदिक उपचार, 51 बीमारी इसमें कवर किया गया है जो मेजर लगभग हमें प्रॉब्लम में डालता है। और ये आपका है अंग्रेजी किताब दोस्तों, जो अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं अंग्रेजी लें। जो भी वीडियो डालता हूँ उसको, ये किताब को आप रेफरेंस में इस्तेमाल करिएगा, यानी रेफरल बुक की तरह इस्तेमाल करिएगा, घर में एक हेल्थ डिक्शनरी की तरह ये रहेगा। पॉइंट जैसे मैंने अभी बताने जा रहा हूँ, पॉइंट नंबर 34 दोस्तों कहाँ पे है वो दिखा देता हूँ। किताब में 4 कलर फोटो के साथ ये है, अच्छे से दिखाया गया है। जो यहाँ से ठीक से समझ नहीं पाते हो, किताब मंगा के घर में रखो, हर वीडियो के साथ उसको कोरिलेट कराओ। यहाँ इंडेक्स फिंगर और मिड फिंगर के टॉप में रहता है, बीचों बीच यहाँ पे, इस जगह पे रहता है दोस्तों। मैं इसको एक बार ही हाईलाइट भी कर देता हूँ इस तरीके से। यहाँ और यहाँ, ये दो जगह, यहाँ यहाँ, उसी तरीके से इधर भी दोस्तों, यहाँ और यहाँ, ये आपका दोनों नोस्ट्रल है, नाक का जो दोनों नोस्ट्रल होता है ये यहाँ और यहाँ होता है। तो आप क्या करोगे, जिन्हें समस्या रहती है हमेशा नाक जाम रहता है, सर्दी जुकाम रहती है, और नाक की जितनी तरीके की समस्या, सांस की संबंधित जितना समस्या, उसके लिए आपको ये पॉइंट क्या करनी है, कम से कम 4 बार दिन में 20-20 बार के दबानी है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके इसको 20, फिर यहाँ 20, उसके साथ साथ आप ये ले लो यहाँ 20, फिर यहाँ 20, यानी 40 यहाँ और 40 इधर, 80 × दिन में 4 बार, तो टोटल हो गया 320 टाइम्स दोस्तों आपको नोस्ट्रल पॉइंट, नोज का पॉइंट दबानी दबानी है। बहुत ज़्यादा समस्या है 6 टाइम्स भी दबा सकते हो, रात में भी आंखें खुलती है तो ये पॉइंट दबाना, जिससे आप अच्छे से सांस ले पाओगे। जिन्हें इवन अब इंसोमिनिया की समस्या है, जिन्हें स्लीप आपनिया की भी समस्या है, वो भी इससे राहत पा सकते हैं। उसके साथ एक चीज़ एक्स्ट्रा ऐड कर रहा हूँ, जिन्हें थ्रोट कंजक्शन होती है, ब्रंकाइटिस की समस्या है, टन्सलाइटिस हमेशा होती है, और उसके साथ साथ स्लीप आपनिया वगैरह है, तो
पॉइंट नंबर सिक्स, आप यहां दबाई गया जो नरम सा हिस्सा है इस पे दबानी है 20 टाइम्स, इधर 20 यहां 20, दिन में चार बार दोस्तों, 20 यहां 20 यहां, गले का हर तरह का दोस्तों समस्या ठीक हो जाएगी। याद रखो इस बात को, ढंग से समझो, अपने बीमारी के हिसाब से चीज को जानो, और हमेशा इस चीज को आपको याद दिलाता रहूंगा कि आप किताब ऑनलाइन अमेजन से मंगाएं, घर में एक ही बार आपको लाना है, रखना है दोस्तों, और जब जब वीडियो डालता रहूंगा उसको आप देखते रहोगे तो आपका कहीं गलती नहीं होगा। एक्यूप्रेशर तभी काम करेगा दोस्तों जब एक्यूरेसी के साथ वो पॉइंट को आप स्टिमुलेट करोगे। लोग कहते हैं एक्यूप्रेशर काम नहीं करता, कैसे काम करेगा, ना नॉलेज है, ना कोई पॉइंट ठीक से जानते हो, ना उसको प्रॉपर कोई लोकेट करा के तुम्हें दिखाता है, ना तुम्हारे पास कोई अच्छी किताब है, तो नहीं है तो फिर गलत करते हो और उसको आपको रिजल्ट नहीं आती है, फिर कहते हो एक्यूप्रेशर कुछ होने वाला नहीं है। एक्यूप्रेशर से सब कुछ होने वाला है। हमने अपने 28-29 साल के कैरियर में देखे कि एक्यूप्रेशर से सब कुछ होती है जो दवाई से नहीं हो पाती है दोस्तों, इसलिए इतना लंबा समय मैं कैरियर के साथ रहा और आपके पास एक इंटरनल किताब भी लेकर आया। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि आप थ्रोट पॉइंट यहां पे 6 नंबर यहां भी दबानी है दिन में कम से कम 4 बार, उसके साथ साथ गुनगुना पानी सुबह आपको 2 ग्लास से शुरू करनी है, कम से कम 2 ग्लास आपको गुनगुना पानी पीनी है, विंटर और बारिश में तो कंपलसरी है। इसके साथ साथ आप खाना खाने के बाद, चाहे ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, डिनर हो, जिनको भी यह समस्या हमेशा रहता है, वो खाना खाने के 20-25 मिनट के बाद 1 ग्लास गुनगुना पानी जरूर पिए। और क्या करनी है दोस्तों, ये तो हो गया 2 पॉइंट आपको मैंने बताया, इसके साथ साथ आपको ब्रेन का पॉइंट भी दोस्तों स्टिमुलेट करनी होगी, क्योंकि ब्रेन को आपको एक्टिव मोड में रखना पड़ेगा। तो ये पॉइंट यहाँ पे सीधे एक ही पॉइंट दिखा देता हूँ, ये और ये, क्योंकि ब्रेन को साथ लेके ही आपको चलना पड़ेगा। इधर आपको दबानी है 30 टाइम्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके आपको 30, और यहां भी दबानी है दोस्तों 30। साथ साथ आपको आना है थायराइड पॉइंट नंबर 8, इस जगह पे यहां ये वाला हिस्सा पॉइंट नंबर 8, क्योंकि आप ब्रेन को स्टिमुलेट कर दिए, थायराइड ग्लैंड यानी प्रधानमंत्री, इधर राजा बैठा है, इधर प्रधानमंत्री बैठा, तो इसको भी दोस्तों इस तरीके से इसको भी 30 स्टिमुलेट करनी है दिन में 4 बार दोस्तों, ये भी 30। इम्यूनिटी सिस्टम कम हो जाती है तभी सर्दी होती है, जुकाम होती है, नाक कंजक्शन होती है, नोस्ट्रल के अंदर आपको अलग अलग तरीके का परिवर्तन दिखने लगता है, आपका पैसेज क्लियर नहीं हो पाता है, लंग्स आपका हमेशा जाम होके रहता है, तो आपको लंग्स को खोलना है, तो वो वाली जो एक्सरसाइज बताया हूं, हाथ की मुट्ठी बंद करनी है, सांस लेनी है, हाथ की मुट्ठी बंद करते हुए दोस्तों 3-4 सेकंड रोकना है, हाथ खोलनी है, दिन में 200 बार सांस की क्रिया करनी है। कई वीडियो इस पर डाल रहा हूं, ये एक मिक्स्ड करके आपको दे रहा हूं आज, इसको जबरदस्त तरीके से सब जगह शेयर करो, सबका लाभ होगा, ये मिक्सचर है, इसमें हर चीज को मैं एक साथ में इकट्ठा किया हूं। तो हाथ की मुट्ठी बंद करनी है, सांस लेनी है और फिर सांस बाहर निकालनी है। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है नोस्ट्रल से सांस खींचने के लिए, तो दांत को दबा के भी इस तरीके से लेके आप नाक से भी छोड़ सकते हो, धीरे धीरे आपका फिर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, मगर नाक से ही लो और नाक से छोड़ो, या फिर नाक से लेके मुंह से भी सांस निकाल सकते हो, हाथ की मुट्ठी बंद फिर ऐसे भी छोड़ सकते हो, मगर अभी कोरोना का टाइम है, मुंह से सांस जब छोड़ते हो तो इर्द गिर्द में कोई नहीं होना चाहिए आपके रूम के अंदर, ठीक, अदरवाइज फिर बाकी मुश्किलात फिर बढ़ जाएगी। तो इसके साथ साथ दोस्तों ब्रेन का पॉइंट जैसे आपको बताया 30-30 बार दबानी है, थायराइड आपको 30-30 बार दबानी है, इसके साथ साथ आपको यहाँ पे नोस्ट्रल का नोज का पॉइंट भी बता दिया हूँ, दोनों नोस्ट्रल के लिए यहाँ आपको 20-20 बार के दबानी है, यहाँ भी आपको 20-20 टाइम्स के, यहाँ और यहाँ आपको 20 टाइम्स के दबानी है, मिड फिंगर एंड ए वाला, एक बार इसको हाईलाइट कर देता हूँ और एक बार देख लो, इंडेक्स एंड मिड। तो ये हो गया आपको एक्यूप्रेशर का, आपको टेक्निक बता दिया, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये चीज देखो मेरे साथ, ये है दोस्तों गिलोय के डंडे, गिलोय का देखो कितना फ्रेश डंडा है, इसको देखो, ये है गिलोय के पत्ती, ये उसके डंडी, ये देखो मैं ना इससे छिलके निकाल दिया हूं, देखो ये जो छिलके देखते हो ना, मैं इसको छुरी से धीरे धीरे ऐसे रब करके इससे सारे छिलके निकाल दिया हूं। अब इसको क्या करना है दोस्तों, ऐसे 4 पीस आपके परिवार के लिए काफी है,
दो बच्चे और दो हस्बैंड वाइफ के लिए, ये भी ना आप जिनको बहुत ज़्यादा समस्या सुबह शाम करके भी ले सकते हो। ये चार को आपको कूट के अच्छे से 2 लीटर पानी में डाल देना है, अच्छे से उबाल लो और इसको ठंडा करके छान के थोड़ा पानी और उसमें मिला लेना अगर तीखा लगे तो। कम से कम एक ग्लास सुबह, एक ग्लास दोस्तों शाम लेनी है, इससे आपकी इम्यूनिटी सिस्टम बहुत बढ़िया हो जाएगा। ये उसका पत्ता है दोस्तों, ये मैं आज पूरा अरेंजमेंट किया हूँ कि आपको जानने में कोई तकलीफ ना हो। ये गिलोय के पत्ते हैं, ऐसे देखो ऐसे होते हैं, ये घर में लगा लोगे ये बहुत बढ़िया से हो जाएगा। ये देखो ऐसे होते हैं, पूरा देखो समझो जानो, ये होता है गिलोय। इसका जो मोटा पार्ट है ये थोड़ा मैं लिया हूँ काट के, इस तरीके से होते हैं। तो ये 3-4 पीस आपको ऐसे 6-6 इंच के 7-7 इंच के ले लेना है, कूट के उबाल के ठंडा करके दोस्तों इसको नॉर्मल कंडीशन में 1-1 ग्लास पियोगे। चिकन गुनिया जिनको हो चुका है, जॉइंट पेन रहता है, 1 महीने में बिल्कुल फिट हो जाओगे, ठीक हो जाओगे। डेंगू अगर हुआ है और शरीर वीक रहता है हमेशा तो भी ठीक हो जाएगा, जिंदगी में डेंगू कभी होगा नहीं, चिकनगुनिया होगा नहीं जिनको नहीं हुआ है। जिनको हो चुका है, हमेशा कहते हैं हमारा शरीर में दर्द है, हमारे जॉइंट पेन हो रही है, उनके लिए रामबाण उपाय है। ऑस्टियोआर्थराइटिस, रिमेटॉइड आर्थराइटिस, गाउट, उसके लिए ये रामबाण उपाय है दोस्तों। 1 महीना करके फिर मुझे बताना, मगर आपको लाके घर में लगाना पड़ेगा। इसको ऐसे लगा भी दोगे पूरे चारों तरफ दीवार में हो जाएगा। उसके साथ साथ दोस्तों आपको क्या करना है, जिनका पेट की समस्या है, डायबिटीज़ की समस्या है, 1 महीने में आप डायबिटीज़ को नॉर्मल कर सकते हो, दिन में अगर 2 ग्लास लेते हो खाली पेट, डायबिटीज़ ठीक हो जाएगी दोस्तों, पेट साफ हो जाएगी, कंस्टिपेशन दूर हो जाएगी, मेमोरी शार्प होगी, शरीर में ताकत आएगी, ताजगी आएगी, इसका तो क्या कहना है दोस्तों। इसका इस्तेमाल आप करो। उसके साथ साथ आप बारिश और जो विंटर वगैरह के समय में, जैसे मैं इसमें काली मिर्च भी थोड़ा सा रखा हूँ, आप ऐसे काली मिर्च 4-5 आप ले लो, 4-5 काली मिर्च ले लो और उसके साथ 4-5 तुलसी का पत्ता ले लो, उसको उबाल लो अच्छे से, इसको कूट के भी डाल सकते हो, डाल के अच्छे से उबाल लो, छान लो, 1 चम्मच शहद डालो और उसको पी लो। अगर आपको डायबिटीज़ वगैरह है, शहद आप अवॉइड करना चाहते हो, सिर्फ ऐसे ही डायरेक्टली भी आप पी लो, कोई समस्या नहीं। तो दोस्तों आपको अपना इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़िया करना है और एक्यूप्रेशर से बढ़िया इलाज और कुछ है ही नहीं। और गिलोय का जो कहा, ये तो आपको पूरा मैं कह रहा हूँ, ये इसको गोल्ड का नाम दिया जाता है, सोना। घर में ये 4 पीस है, मतलब आप चिकनगुनिया से शुरू करके, डेंगू से शुरू करके, कोरोना तक सबसे बच सकते हो अपना ताकत बढ़ा के। उसके साथ साथ ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपको बताया, जिससे आपका लंग्स का क्षमता बढ़ेगा दोस्तों, आपका हार्ट का क्षमता बढ़ेगा, लीवर का क्षमता बढ़ेगा, शरीर के अंदर ताजगी आएगी, आपके अंदर काफ़ी ऑक्सीजनेट आप अपने आप को कर पाओगे, तो आप सेहतमंद रहोगे दोस्तों। थ्रोट का पॉइंट दबाओगे तो टन्सिलाइटिस दोस्तों ठीक हो जाएगी। गुनगुना पानी का आदत करो सुबह शाम लेने की, उसके साथ साथ ये जितना बातें मैंने बताया। जिन्हें बहुत ज़्यादा समस्या रहती है वो कलर थेरेपी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। रात में इस तरीके से आप इसको रेड कर देना दोस्तों, इस तरीके से पूरा रेड करके छोड़ देना, ये नोज वाला जो पॉइंट है ये वाला, इसको ऐसे लाल करके छोड़ देना, फिर सुबह उसको नहाते समय धो लेना। ये कलर थेरेपी भी बता दिया, तो हर समस्या को आप बढ़िया कर सकते हो, नींद भी इससे अच्छा आएगी और आपका स्लीप आपनिया भी दोस्तों ठीक हो जाएगी। गिलोय पियो, एक्यूप्रेशर पॉइंट और जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज बताया। तो इसके साथ साथ दोस्तों अपना ख्याल रखें, नेगेटिविटी से बचें, हमेशा पॉजिटिव वर्क करने की कोशिश करें। क्रिएटिविटी के साथ जब काम करोगे तभी आप सेहतमंद रहोगे, अपना टाइम फालतू के खर्च मत करो। इसी बात के साथ आज का ये बेहतरीन वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। मैं खुश हूँ कि ऐसा वीडियो आपको आज मैं बना के दे पाया। आप अपने अपने एरिया में जहाँ भी हो, पहाड़ में हो, जंगल में हो, नदियों के किनारे हो, जहाँ भी आपकी गाँव है, कस्बा है, शहर है, वहाँ पर सबका सेवा करो और अपनी ज्ञान बढ़ाओ, नॉलेज बढ़ाओ। मैं आपके साथ हूँ, आपका दोस्त, आपका हम सफर डॉक्टर दरवेश, कभी साथ नहीं छोड़ूंगा जब तक आप मेरा हाथ नहीं छोड़े हो। अच्छा सोचो, हर अच्छे सोच के साथ जो भी आएगा मैं उसके साथ हूँ। कहीं अगर व्हाट्सएप वगैरह या टेलीफोनिक बातें नहीं हो पाती, घबराने की बात नहीं है, हो जाएगी कभी ना कभी। जय हिंद, जय भारत।